जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ रीजनिंग पर, यानी रीजनिंग की कैसे पढ़ाई करें जिससे कि आपको लंबे समय तक याद हो जाए और आपको एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चंस आप करके आ जाएं। ये इसलिए मैं आज रीजनिंग पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो यानी कि रीजनिंग की पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो रीजनिंग की पढ़ाई कैसे करें, यह नहीं चल रहा है तो मैं दूसरा ले लेता हूं। तो आपको इतना करना है कि जब भी आप रीजनिंग का पढ़ाई अब कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आपका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस है किसका, रीजनिंग का। तो उस रीजनिंग का सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ाई करना है। आप पूरी किताब मत पढ़ने बढ़ना, वरना आप टाइम बर्बाद कर दोगे। आप जिस भी फॉर्म को भरे हैं, आपका उस फॉर्म को भरे हैं तो आप उसके नोटिफिकेशन को चेक करना। आपको जब भी नोटिफिकेशन चेक करोगे तो उसमें आपको रीजनिंग का सिलेबस है, तो आपको अपने सिलेबस को देखना है। यानी कि पहला है सिलेबस, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, ठीक है। यानी कि जब आप नोटिफिकेशन में सिलेबस देखना, उसमें जो जो चैप्टर है सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना, बाकी आप उसको हाथ नहीं लगाना। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप जाने जाओगे तो सिर्फ आपको उसी सिलेबस का ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसको रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। और आप देखो कि जो चैप्टर आपको इजी लगता है, जैसे मान लो कि आपको चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी ये लगता है कि जो रिलेशन वाले हैं, संबंध वाले, मान लो कि ये सवाल आ रहा है कि मेरे फूआ के जो मेरी बुआ है, मेरे बुआ के जो मम्मी है और उसके चाची का लड़का, मेरा क्या लगेगा। इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप जो है अपना जो चैप्टर है, जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाला चैप्टर हमें अच्छा लग रहा है, तो आप सिर्फ उसी चैप्टर से शुरुआत करो। यकीन मानो कि जो हार्ड चैप्टर रहेगा वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आपको क्या करना है, तीसरा है सरल अध्याय से शुरू करना है, उसके बाद कठिन अध्याय हल करें, ठीक है। पहले आप एकदम इजी क्वेश्चंस शुरुआत करो और उसके बाद कोई पे मत ध्यान दो, आप पूरा का पूरा इजी इजी क्वेश्चंस आप करते जाओ। लगेगा कि आपको हो सकता है कि आपको हर एक सवाल के लिए आंसर देखना पड़े शुरू में, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने ये कर दिया तो अगला सवाल आसानी से कर पाओगे, नहीं, अगला सवाल भी आपको कठिन लग सकता है। तो हर जो है सवाल को आप देखें, उसका हल देखें, इस तरीके से आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से किया था तो मैं आपको अपना तरीका बताया, ठीक है। चौथा है कि आप जो न्यूमेरिकल सवाल है उसके सिंबल पे जाओ मत, वो सिंबल कुछ भी हो सकता है। जैसे एक सवाल अगर आ जाएगा
पाँच गुणे सात इज इक्वल टू 12 तथा 9 इज इक्वल टू 3 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है? कितना? 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, तो सात इज इक्वल टू कितना होगा ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहां पे ये मत ध्यान देना, यहां पे ये जो गुणे का निशान है इसको गुणा मत मानना, ये गुणा नहीं है, ये गुणा नहीं है, ये आपका प्लस है, ध्यान रखना। सात पांच और सात 12 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इसने जो गुणा है उसको प्लस मान लिया है, ध्यान रखना। इसी तरीके से 9 में 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे 12 आ गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई वहां दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 9 त्रिक 27 होना चाहिए ना, 27 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब इसमें इसमें 9 से 3 जोड़ दिया है, तो उस पे जो सिंबल है उस पे भरोसा मत करना। इसी तरीके से अगर ये दोनों में इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 10 है। तो इस तरीके से हमें इसको बनाना होता है, तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है। और सबसे ज़्यादा एक मैं इस वीडियो में एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बोले तो आपको एक सजेशन, एक सलाह और एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, किसी को बताना मत, अपने तक रखना, ठीक है? अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है ना, तो आप इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स की कमी रीजनिंग से पूरी कर सकते हो, ध्यान रखना। आप खूब प्रैक्टिस करो, आप मैथमेटिक्स के कम क्वेश्चंस भी करते हो तो आप एग्ज़ाम में जा कर के बड़ा उलटफेर कर सकते हो। जैसा कि अगर आपको मान लीजिए कि मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस कम कर रहे हो, तो आप इसके 5 क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ा दो, देखो रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा एक वीडियो था कि आपको ये बताने का कि रीजनिंग जो है कैसे पढ़ाई जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो साथी थे वो मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार रीजनिंग पर वीडियो बनाओ कि कैसे इसकी पढ़ाई करें ताकि एग्ज़ाम में जा कर के हमें अच्छा सफलता मिल जाए। तो मैंने बता दिया है कि आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करो, और दूसरा आप इन जो सिंबल है इस पे कतई भरोसा मत करना, ये मल्टीप्लाई जो गुणा का निशान है वो प्लस है भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको पहले सरल सवाल करो, फिर उसके बाद कठिन सवाल करो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, इसको रटना नहीं है। और जैसे ही आप देखेंगे आप इसके हीरो बन जाएंगे, जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और हाँ मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अपने वीडियो अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।